सभी भाई बहनों को मेरा जय हिंद। और आज की मेरी वीडियो है एसी के साइज के बारे में, और एसी से रिलेटेड सभी ऐसी बातें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको कोई भी एसी बेचने वाला या एसी टेक्नीशियन जो आपके यहाँ रिपेयर करने वाला आ रहा है वो नहीं बताएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं एसी के साइज के बारे में। अगर आप एसी खरीदने जा रहे हैं और आप मन बना चुके हैं हमें एसी खरीदना है, तो आप पहले अपने ही हिसाब से मेजरमेंट कर सकते हैं कि मेरी विंडो में एसी आएगा या नहीं आएगा, या फिर मेरे वॉल पे एसी आएगा नहीं आएगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक साइज की जरूरत है, साइज से आप डिसाइड कर सकते हैं एसी आएगा नहीं आएगा। तो ये है वो साइज जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एसी की जो चौड़ाई है वो हमारी इंचीज में 26 होती है और एमएम के हिसाब से 660 mm होती है। उसके बाद चौड़ाई के बाद हमें चाहिए होती है एसी की हाइट, ऊंचाई। ये दोनों चीजें ही डिसाइड करेंगी कि एसी आपकी जो विंडो है उसमें आएगा या नहीं। तो 26 इंच चौड़ाई है और उसके बाद 17 इंच एसी की हाइट है, और ये दोनों जो मेजरमेंट है ये 1.5 टन और 2 टन एसी की सेम होती है। सिर्फ अगर फर्क पड़ता है तो डेप्थ पे पड़ता है, गहराई पे, जो एसी की आपकी दीवार से या विंडो से जो बाहर निकल जाएगा उस पर। और वो जो गहराई है लगभग 2.5 फुट के करीब होती है, और किसी एसी में थोड़ी कम होती है, लगभग 2.5 फुट तो सब में रहती है। तो जो हमारी हाइट है वो 17 इंच है और जो चौड़ाई है वो 26 इंच है। लेकिन एक बात है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट साइज है जो एसी का होता है। एक बार इस ग्राफ की तरफ और ध्यान देते हैं। देख रहे हैं कि मैंने जो हाइट थी वो 17.1 इंचीज कर दी है और 26.1 इंचीज कर दी है। मैंने एक एक सूत बढ़ा दिया है, मतलब करीबन तीन से चार एमएम मैंने बढ़ा दिया है। इसका रीज़न ये है कि जब एसी हम विंडो में लगाते हैं ना, तो कई बार एसी बिल्कुल फिक्स आता है, थोड़ा बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एसी को ठोक ठोक कर लगाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो इसलिए एक सूत फालतू रखनी पड़ती है, हाइट और वेथ दोनों, ऊंचाई भी और चौड़ाई भी। और अगर एमएम में नाप रहे हो तो करीबन 3 से 4 mm एक्स्ट्रा आपको एमएम में लेके चलनी है। और जो डेप्थ की बात है वो 26 इंच से 30 इंच होती है एसी की, जो मतलब पीछे की तरफ लेंथ है, डेप्थ है, वो 30 से 26 इंच के बीच में होती है, लगभग 2.5 फुट। और अगर हम बात करें इससे छोटे एसी होगी, ये तो थी 1.5 टन और 2 टन एसी की। तो अगर आपका 1 टन या 0.5 टन एसी है, उनकी जो लेंथ वेथ और हाइट है वो इससे कम है, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है उसका मेजरमेंट। और एक जनरल का जो एसी है, ओ जनरल का एसी, उसकी जो ये डायमेंशन है वो अलग है। बाकी लगभग सभी एसीओ की जो ये डायमेंशन है सेम है, चाहे वो कैरियर हो, वोल्टास हो, पैनासोनिक हो, गोदरेज हो, वर्लपूल हो, सभी कंपनियों का ये स्टैंडर्ड साइज है 1.5 टन 2 टन का। सभी एसी आप आंख मीच के ले सकते हैं, एसी आपको यही साइज मिलेगा। पर अगर आप जनरल एसी ले रहे हैं तो जनरल एसी में आपको साइज का जो विंडो का है वो अलग लेकर चलना पड़ेगा, वो थोड़ा बड़ा है। उसके लिए मैंने बेल आइकन में और एंड स्क्रीन में वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर देख सकते हो। और एसी से रिलेटेड ऐसे फॉल्ट या एसी की ऐसी नॉलेज जो आपको कोई भी एसी वाला नहीं बताएगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है एसी से रिलेटेड जो आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप अपनी जो रूम की विंडो है उसको नाप कर आप एसी परचेज कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, एसी का साइज आपके पास है। और इसमें आप एक सावधानी रख सकते हैं कि आप इन फ्यूचर जनरल के एसी के हिसाब से पहले ही एडवांस में बड़ा फ्रेम अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो उस वीडियो को भी देख लीजिए और उस साइज से आप अपनी विंडो को एडजस्ट करा लीजिए। क्योंकि आपने अगर ये साइज बनवा लिया तो उसमें जनरल का एसी नहीं आएगा, बट अगर आपने जनरल का एसी के साइज बनवाया तो उसमें पैकिंग लग के ये एसी भी आ सकते हैं। तो मेरी सलाह यही कि आप जनरल का साइज बनवाइए। और अगर आपकी जो
विंडो का साइज 26-17 का ही है लगभग, और जनरल का एसी नहीं आ सकता, तो आप इन्हीं में से कोई एसी नापने के बाद परचेज कर लीजिए। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इसीलिए है कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, आप विंडो को नाप कर अपना एसी खरीद सकें। तो अब आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी बातों के लिए जिसमें आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती रहे, जो आपके लिए इन फ्यूचर एसी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपकी आपके काम आएगी। तो ऐसी नॉलेज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।